जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? म्यूजिक काफी धमाकेदार लग रहा है, आज मुहूर्त होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली सिंगर जी, एक्चुअली मैंने इस गीत को गाया है और राज जी को मैं करीब 1-2 साल से जानता हूँ, तो इनकी यही अच्छी लगती है इनकी बात कि जो ये सिंगर को पूरी फ्रीडम देते हैं जी। तो हमने इसको काफ़ी हट के गाने की कोशिश की है, जो भोजपुरी की जो शैली होती है, जो जिस तरीके के गाने बनते हैं उससे काफ़ी हट के एक रॉक फ्लेवर करने की कोशिश की है, और भोजपुरी को यही उम्मीद करते हैं कि इसको हम अलग लेवल पे लेके जा सकें जी। तो काफ़ी डिफरेंट गाने की कोशिश की है और आई एम श्योर कि ऑडियंस को पसंद आएगा जी। जैसे कि आपने कहा कि ये ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर है जो पूरे फ्रीडम देते हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, और इस गाने के बारे में क्या कुछ सिचुएशन बताई थी उन्होंने जब आपको गाना ऑफर किया गया? तो उन्होंने मुझे कहा था कि टाइटल ट्रैक है और थोड़ा मतलब पंची रखना और हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे स्टूडियो में, तो बाद में ये ऐसे एक बार ऐसा ट्राई किया रॉक टाइप का तो वो उन्हें अच्छा लगा, तो हमने कहा ऐसी इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। दो लाइनें ऑडियंस के लिए हो जाए। जग जेता हा, बिजेता हा, श्रेष्ठ आयाति कुलभूषण कुल कमल कृष्ण अंशम यदुवंशम 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 यदुवंशम। सर, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, फिल्म का मुहूर्त है आज जो है, फिल्म सामने आने वाली है सबके सामने, अनाउंसमेंट कह सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसी एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर? सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर को और इस प्रोजेक्ट के पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं, और डायरेक्टर को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे गीत लिखने का मौका दिया। वैसे 2-3 प्रोजेक्ट और भी इनके साथ हमने किए थे, और इसमें जो इन्होंने मुझे मौका दिया है तो पंख भी दिया और आसमान भी मुझे दिए हैं उड़ने के लिए, और मैंने उड़ाने भरी हैं जितना भर सकता था। वो गाना सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा भी, और उसमें पूरी कोशिश की है मैंने। सबने गाने की और सिंगर की सबकी तारीफ की है, और साथ ही लिरिक्स की भी काफ़ी तारीफ की जा रही है, तो उसके लिए कैसे फीलिंग है आप? जी, मुझे बहुत खुशी हुई है इस लिरिक्स को लिख के, और जो प्लॉट था वो वर्ल्ड वाइड प्लॉट है। आज तक मानव जाति ने जिस ऊंचाई को हासिल की है उसके सबसे बड़े सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण रहे हैं, और कृष्ण से बड़ा न कोई प्रेमी रहा है, न कोई दार्शनिक रहा है, न उनका दर्शन से श्रेष्ठ किसी का दर्शन रहा है। तो जीवन के जो सर्वांगण क्षेत्र है उन क्षेत्रों में कृष्ण ने सबलाइम स्टेज दिया है हर तरह से। तो मैं ये सोचता हूँ कि हर युवा वो कृष्ण ही है, और कृष्ण की तरह यदि वह जीवन के हर क्षेत्रों में लीड करे तो उस चीज़ को दिखाती हुई मैंने लेखनी दी है इसमें।